Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. की तबीयत बिगड़ गई, बरतानिया में अस्पताल में जेर इलाज। नवाज शरीफ का आज लंदन जाने का इम्कान, वीजे के 10 साल के लिए तजदीद करा ली। मरियम नवाज की कौम से वालदा की सेहत याबी की दुआओं की अपील। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान अहली केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने बनीगाला अराजी की खरीदारी के लिए जमायमा को कर्ज अदायगी का रिकॉर्ड तलब कर रखा है। हरिपुर सेंट्रल जेल में मशाल कत्ल केस की समाअत आज फिर होगी। 25 मुलजमान की दरखास्त से जमानत पर महफूज फैसला सुनाया जाएगा। दुनिया में कयामे अमन के किरदार के बाइस पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखा जाता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आलमी बरादरी के साथ खड़े हैं। एजाज चौधरी का वाशिंगटन में यौम दिफा के हवाले से तकरीब से खिताब, पाक फौज के जवानों को खैराज तहसीन। नेटो चीफ ने कहा है कि मुस्तहकम अफगानिस्तान यूरोप के मफाद में है। अफगानिस्तान में जितना इस्तेहकाम होगा यूरोप के आवाम की सिक्योरिटी उतनी ही मजबूत होगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए पुलिस और रेंजर्स का सर्च ऑपरेशन, घर घर तलाशी। मंगूपीर और रंगी टाउन और बल्दिया से 43 अफराद को हिरासत में ले लिया गया, पूछताछ जारी। पंजाब के इलाके डस्का में FIA की कार्रवाई, शहरी के अकाउंट से 5 करोड़ रुपए खुर्द बुर्द करने के इल्जाम में 4 बैंक मैनेजर्स गिरफ्तार। मुल्तान में शागिर्द के कदीमी ताजिये की तज़ीनो आराइश आज जियारत के लिए रख दिया जाएगा। कदीमी ताजिया 1862 से बरामद हो रहा है, जिसकी ऊंचाई 47 फिट और चौड़ाई 10 फिट है। रोहिंग्या मुसलमानों की मदद के लिए आलमी सतह पर कोशिशें जारी। तुर्की का 1 लाख खेमे फराहम करने का ऐलान। भारत में रोहिंग्या मुसलमानों को आबाद करने के लिए मुजाहरा किया गया।